सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, जियो एयर फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर, इनकी तो हम रेगुलर जो है बात करते ही रहते हैं दोस्तों। अब रही बात दोस्तों यहाँ पर वीआई की या फिर दोस्तों बीएसएनएल, क्योंकि हमारे भारत के अंदर आपको पता है कि टोटल चार नेटवर्क है जो हमें जो है नेटवर्क या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जियो एंड एयरटेल तो दोस्तों कॉम्पिटिशन में चल ही रहे हैं, साथ में दोस्तों जो वीआई है एंड बीएसएनएल है वो भी अपने फाइबर कनेक्शन के ऊपर या फिर एयर फाइबर कनेक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। बट अभी स्टिल बात की जाए तो आपको सिर्फ तीन ही एयर फाइबर मिलते हैं, जियो का, एयरटेल का एंड बीएसएनएल का। और बीएसएनएल का जो एयर फाइबर दोस्तों आप सबको पता होगा कि जियो एंड एयरटेल से भी पहले जो है लॉन्च हो चुका था, यानी कि जो बीएसएनएल के एयर फाइबर के प्लान्स थे वो जियो एंड एयरटेल से पहले जो है लॉन्च हो चुके थे। बट स्टिल वही जो सर्विस या फिर टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो वो सिर्फ एयरटेल एंड जियो के पास सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जियो ने इस टाइम टॉप कर रखा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात कर लो, सर्विस की बात कर लो, लोकल एरिया की बात कर लो दोस्तों, ठीक है, हर तरह से जियो जो है टॉप पर चल रहा है। सेकंड नंबर पर चलता है एयरटेल का एयर फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर या फिर दोस्तों नॉर्मल फाइबर कनेक्शन। अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के कनेक्शन तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है मैक्सिमम जगह पर लोगों को मिल ही जाते हैं। बट यहाँ पर एयर फाइबर की बात करें तो एयर फाइबर जियो का सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि जियो का जो एयर फाइबर की लोकेशन है, लोकेलिटीज़ है, यानी कि पैन इंडिया के अंदर जियो का जो एयर फाइबर है टोटली लॉन्च हो चुका है। बट यहाँ पर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल जो है फिलहाल कुछ ही चुनिंदा सिटीज़ या फिर राज्य के अंदर ही अभी स्टिल अवेलेबल है। बट यहाँ पर बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल आपको पता है कि भारत का नेटवर्क है, सबसे पुराना नेटवर्क है दोस्तों। तो एयर फाइबर जो है इसे सबसे पहले लॉन्च कर दिया था, तो इसका मतलब यह है कि एयर फाइबर सबसे पहले लॉन्च किया गया था, तो एयर फाइबर जो है बीएसएनएल का ऑलमोस्ट पैन इंडिया के अंदर हर लोकेशन पर आपको देखने को मिल जाता है। बट यहां पे मेन चीज क्या आती है कि बीएसएनएल की सर्विस कैसी मिलेगी, बीएसएनएल का जो स्पीड है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अपेक्षा या फिर जो फाइबर कनेक्शन है, फिर उसके बाद एयर फाइबर आ गया, तो उसकी स्पीड में कैसा रहेगा, स्पीड वाइज कैसा रहेगा, लेके फायदा है या फिर नहीं है दोस्तों। तो डिटेल में बात करने वाले हैं, प्लान कौन से हैं वो भी बताऊंगा, कहां कहां पे आप ले सकते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है, एंड क्या स्पीड वगैरह आपको देखने को मिल सकती है वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक जरूर करना। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप बीएसएनएल के एयर फाइबर कनेक्शंस को लेना चाहते हैं तो एयर फाइबर कनेक्शंस को लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो बीएसएनएल की वेबसाइट पर चले जाना है आपको, अगर आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल है, आपको मोबाइल के अंदर एक ऐप यूज कर लेना है जो कि है बीएसएनएल केयर के नाम से। बीएसएनएल केयर के ऐप के अंदर आपको पूरे रिचार्ज के ऑप्शन, फाइबर कनेक्शंस के ऑप्शन, एयर फाइबर के ऊपर, ठीक है, जितने भी इनके प्लान्स हैं, जितने भी रिचार्जेस हैं, जो भी यहाँ पे फैसिलिटी या फिर बेनिफिट्स होते हैं, सब के सब आपको दोस्तों बीएसएनएल सेल्फ केयर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास बीएसएनएल का नंबर हो या फिर नहीं हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप जब इसको ऑन करेंगे तो वहीं पर आपको जो है फाइबर कनेक्शंस का या फिर एयर फाइबर कनेक्शंस को बुक करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। बुक करना बहुत ही आसान है, बेसिक सी डिटेल आपको डालनी है, अपना नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह कन्फर्म करना है, उसके बाद आपकी लोकेलिटी एक्चुअल क्या है आपको वो जो है मैप के जरिए बता देनी है, देन वहाँ पे प्लान आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाए बीएसएनएल के एयर फाइबर कनेक्शंस के अंदर, तो बीएसएनएल के एयर फाइबर कनेक्शन के अंदर ये बेसिकली जो है अगर आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको तीन प्लान दिखाएगा, जो इनके ज़्यादातर जो है मतलब के प्लान दिखाई देंगे वो सिर्फ तीन ही प्लान है। बाकी इसके जो प्लान आते हैं वो 300 Mbps तक आते हैं। बाकी जियो एंड एयरटेल की बात करें तो आपको मिनिमम 30 Mbps दोस्तों, एंड मैक्सिमम दोस्तों आपको एयर फाइबर के अंदर 1 Gbps की स्पीड देखने को मिल जाती है। बट बीएसएनएल के अंदर सिर्फ आपको मैक्सिमम जो मैक्सिमम है वो 300 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है। हम यहाँ पे ज़्यादा हाई फाई जो प्लान है उनके बारे में नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ बेसिक प्लान की बात करेंगे, क्योंकि एयरटेल के अंदर भी एंड जियो के अंदर भी जिसने भी लिया है ना सिर्फ बेसिक प्लान लिया एयर फाइबर का। अब यहाँ पर अगर आपके एरिया में बीएसएनएल अच्छे से वर्क कर रहा है, बीएसएनएल की सर्विस अच्छी है, जियो एंड एयरटेल आपके आसपास नहीं है, तब आप बीएसएनएल का एयर फाइबर कनेक्शन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बट मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी कनेक्शन लो आप, चाहे बीएसएनएल हो, जियो हो या फिर एयरटेल हो या फिर वीआई हो, लेना है तो आपको सिर्फ फाइबर कनेक्शन ही लेना चाहिए। अगर आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन यानी कि वायर वगैरह की सुविधा आ चुकी है तो आप एयर फाइबर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एयर फाइबर उतनी स्पीड नहीं दे सकता जो आपको एक फाइबर कनेक्शन आपको स्पीड या स्टेबिलिटी वगैरह दे देता है। तो उस टाइम के लिए स्किप कर देना अगर आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन अवेलेबल है। बट अगर आपके एरिया में दूर दूर तक अभी फाइबर कनेक्शन नहीं है, आने की संभावना भी नहीं है, तो आप एयर फाइबर की तरफ जा सकते हैं, वो भी बीएसएनएल के। बीएसएनएल आपको हर एरिया में मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जियो का आप देखें तो जियो भी मैक्सिमम सिटीज़ के अंदर कवर कर दिया गया है, मतलब पैन इंडिया के अंदर आपको जियो भी जो है दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाता है लोकेशन वाइज दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों बुक कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ, कौन कौन से तीन प्लान यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाते हैं जो कि बेसिक प्लान है, एंड उसके अंदर क्या फीचर, क्या स्पीड आपको देखने को मिलती है, कितना डाटा मिलता है, तो ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप को ओपन करना है, तो यहीं पर आपको दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं भारत फाइबर, एयर फाइबर।
मतलब कि दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, भारत का फाइबर कनेक्शन आप लेना चाहते हैं यानी कि वायर वाला, या फिर एयर फाइबर आप लेना चाहते हैं। तो हम तो एयर फाइबर लेना चाहते हैं, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक डिटेल डालनी है अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, बुकिंग के कोई चार्जेस नहीं है, नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डाल देनी दोस्तों। उसके बाद आप भारत फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं या फिर एयर फाइबर, हम यहाँ पर एयर फाइबर बुक करना चाहते हैं। उसके बाद हमें अपना यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करना है, देन हमें अपना पिन कोड एरिया डाल देना है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह से बिलोंग करते हैं, जो भी आपको पिन कोड एरिया एग्जैक्ट आपको वो डाल देना। उसके बाद आपको सेलेक्ट एड्रेस पे क्लिक करना है एंड मैप के थ्रू जो है एक्चुअल जो लोकेशन है आप लोगों की वो आपको ट्रेस करनी है मैप के जरिए। जब आपका एक्चुअल एड्रेस यहाँ पे आ जाता है तो आपको उसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंफर्म करते हैं उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो है तीन प्लान निकल के आ जाते हैं। तो अब गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला प्लान है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 499 प्लस जीएसटी के साथ आपको प्लान लेना पड़ेगा, यानी कि प्लान कोई भी लो प्लस 18% जीएसटी आपको यहाँ पे जो है इंक्लूड करनी पड़ेगी इसके अलग दोस्तों, यानी कि ठीक है। उसके बाद दोस्तों एयर फाइबर बेसिक प्लान है, यानी कि सबसे पहला जो इनका प्लान है ये 499 का, इसको बोलते हैं एयर फाइबर बेसिक प्लान दोस्तों। अब इस प्लान के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो BSNL आपको स्पीड प्रोवाइड कर रहा है वो है 30 Mbps की, एंड यहाँ पे जो डाटा है एज कम्पेयर जियो एंड एयरटेल दोस्तों, यहाँ पे जो डाटा आपको अनलिमिटेड मिलेगा एयर फाइबर के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइबर कनेक्शन के अंदर तो आपको जियो में भी और एयरटेल में भी अनलिमिटेड डाटा ही मिलता है मैक्सिमम, बट यहाँ पे दोस्तों BSNL जो है एयर फाइबर के अंदर भी आपको एक लिमिट नहीं दे रहा, आपको अनलिमिटेड डाटा दे रहा है। एंड अनलिमिटेड डाटा अगर खत्म भी हो जाता है दोस्तों आपका, यानी कि 3300 GB अगर आप खत्म कर लेते हो तब भी दोस्तों आपको अप टू 4 Mbps की स्पीड यहाँ पर मिलती रहेगी अनलिमिटेड डाटा, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे साथ साथ में दोस्तों आपको एक फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, वो है आपको कॉलिंग का। BSNL के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की भी फैसिलिटी मिलती है, वो भी एयर फाइबर के अंदर। इवन आपको पता है कि जियो एंड एयरटेल के अंदर ये दोनों ही फीचर्स नहीं है, मतलब कि कॉलिंग वाला फीचर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। बट BSNL आपको कॉलिंग की फैसिलिटी भी दे रहा है दोस्तों उसी प्लान के अंदर, उसी प्राइस के अंदर। दूसरा प्लान दोस्तों यहाँ पे है 699 का, जिसको एयर फाइबर बेसिक प्लस प्लान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्पीड आपको मिलेगी अप टू 40 Mbps दोस्तों, एंड यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड डाटा रहेगा। अगर ये 3300 GB डाटा आपका ख़त्म हो जाता है तब आपको दोस्तों 4 Mbps की यहाँ पे स्पीड मिलती रहेगी एंड अनलिमिटेड आपको कॉलिंग की फैसिलिटी भी मिलती रहेगी। तीसरा प्लान दोस्तों वो है यहाँ पे 899 का। अब 899 के अंदर आपको जो स्पीड है वो 50 Mbps की मिलेगी एंड यहाँ पे अनलिमिटेड डाटा रहेगा आपका, ठीक है। एंड 6 Mbps की आपको स्पीड मिल जाएगी, जब भी आपका जो प्लान है डाटा है ख़त्म हो जाएगा 3300 GB, तो आपको 6 Mbps की यहाँ पे स्पीड मिलती रहेगी सदाबहार के लिए दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जो ये तीन प्लान है बेसिकली भारत फाइबर प्लान आपको रिकमेंड करता है स्टार्टिंग के ये तीन प्लान दोस्तों, बाकी इनके अदर भी प्लान है जो कि 300 Mbps तक जाते हैं दोस्तों, बट हम बेसिक प्लान की बात कर रहे थे जो कि जियो एयरटेल के अंदर आते थे एंड यहाँ पे BSNL के अंदर आता है। अब BSNL का जो 499 का प्लान है इसके अंदर आपने ये तो देख लिया कि 3300 GB आपको डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, 30 Mbps की अप टू आपको स्पीड मिलेगी और साथ में आपको कॉलिंग की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। बट यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कोई OTT ऐप या फिर कोई सेटअप बॉक्स वगैरह यानी कि TV कनेक्शंस अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके घर पर स्मार्ट TV है या फिर नहीं है और TV कनेक्शंस आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी जो है माइनस है। आपको कोई भी OTT ऐप या फिर कोई भी यहाँ पे चैनल्स, कोई डिश सिस्टम जो है यहाँ पे नहीं दिया जाता, जैसे कि आपको एयरटेल एंड जियो के अंदर मिल जाता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको तब आ सकती है अगर आप TV कनेक्शन भी चलाना चाहते हैं, तब आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि BSNL ले या फिर नहीं ले दोस्तों। बट अगर नॉर्मल बात की जाए प्लान के अकॉर्डिंग एंड डाटा के अकॉर्डिंग, अगर आप डाटा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो दोस्तों आपको जियो से बेस्ट आपको BSNL लेना चाहिए, क्योंकि BSNL आपको अनलिमिटेड डाटा दे रहा है एयर फाइबर के अंदर दोस्तों, एंड आपको साथ में कॉलिंग की भी फैसिलिटी दे रहा है जो कि आपको जियो एंड एयरटेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। दोनों के अंदर आपको डाटा की लिमिट मिल रही है 1000 GB एंड अनलिमिटेड कॉलिंग तो दूर दूर तक है ही नहीं दोस्तों यहाँ पर एयर फाइबर के अंदर। बट BSNL आपको दो फैसिलिटी यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपको कोई OTT ऐप नहीं मिल रही है, कोई सेटअप बॉक्स नहीं मिल रहा है अगर आप चैनल्स वगैरह भी चलाना चाहते हैं, बट दो फैसिलिटी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आपका काम चलता है कि आपका सिर्फ काम नेट से ही है, आपको OTT या फिर किसी भी सब्सक्रिप्शन वगैरह से या फिर चैनल से कोई लेना देना नहीं है, तब आप इन प्लान को ले सकते हैं एयर फाइबर के 499 का, जो कि आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। इसमें स्पीड भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को एंड आपको अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है दोस्तों। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके एरिया में BSNL की सर्विस कैसी है, आपके एरिया में जियो एंड एयरटेल की सर्विस मतलब कि अच्छे से काम करती है नहीं करती है, जियो एंड एयरटेल का फाइबर कनेक्शन अवेलेबल है या फिर नहीं है, फाइबर कनेक्शन अगर अवेलेबल है तो कौन से नेटवर्क का है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।
एंड डेडिकेटली कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस ये थी जानकारी BSNL के एयर फाइबर कनेक्शन के बारे में, जो कि यहाँ पर रिकमेंडेड 3 प्लान उन्होंने बताए थे मेरे सर्कल के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। आप भी चेक कर लेना अपने सर्कल के हिसाब से आपको 3 प्लान कौन से मिलते हैं, बट सभी सर्कल्स के अंदर मैक्सिमम मैंने देखा कि आपको यही 3 प्लान जो है रिकमेंड किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप BSNL का एयर फाइबर कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट वही बात कि अगर आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन अवेलेबल है किसी भी नेटवर्क का, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको फाइबर कनेक्शन को देनी है, अदरवाइज आपको सेकंड नंबर पर रखना है अपने एयर फाइबर कनेक्शन को दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।